कोरोना वायरस महामारी कैसे अगला एक महीना तय करेगा देश और दुनिया का भविष्य। इटली 22 फरवरी कोरोना वायरस के टोटल केसेस 9। 12 मार्च इटली कोरोना वायरस के टोटल केसेस 11,000। सिर्फ कुछ ही दिनों में संक्रमण का सैकड़ों गुना बढ़ जाना ही वो कारण है जिसने पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना वायरस की मृत्यु दर ज्यादा नहीं है। कोरोना वायरस से संक्रमित इंसान में जो लक्षण नजर आते हैं वो बहुत साधारण से हैं और कईयों में तो कोई लक्षण नजर भी नहीं आते हैं। इस वायरस का फैलना बहुत आसान है। कोरोना वायरस के संपर्क में आने के 5-6 दिनों बाद ही कोई लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अनजाने में ही सभी को वायरस दे सकता है। यही वजह है इस वायरस के इतने बड़े स्तर पर फैलने की। अब आगे क्या होगा ये हमारे अगले एक महीने के रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण का ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल है, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों की जनसंख्या बढ़ती है। 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64। अगर इस रेट से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती रही तो गंभीर मरीजों के लिए भी हॉस्पिटल और डॉक्टर्स कम पड़ जाएंगे। ऐसे हालात में दूसरी बीमारियों और एक्सीडेंट के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी मुश्किल हो जाएंगी, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। इटली का उदाहरण आपके सामने है। किसी भी महामारी के 4 स्टेज होते हैं। पहली स्टेज में संक्रमित लोग महामारी के मूल स्रोत वाली जगह से किसी नए देश जाते हैं। दूसरी स्टेज में लोकल ट्रांसमिशन शुरू होता है। तीसरी स्टेज में पूरी लोकल कम्युनिटी संक्रमित हो जाती है और चौथी स्टेज में बीमारी के फैलने का कोई अंत नहीं दिखता है। इटली और साउथ कोरिया अभी चौथे स्टेज पर हैं, जबकि भारत दूसरे। इसीलिए आने वाला एक महीना देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को रोकने के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स सभी को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने को कह रहे हैं। कोरोना वायरस की जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना ज्यादा पॉजिटिव केसेस को पहचान कर अलग किया जा सकेगा और साथ ही उन केसेस के संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया जा सकेगा। भारत में अभी टेस्टिंग की क्षमता बहुत कम है, जिसे तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही ये बहुत जरूरी है कि इस परिस्थिति में भीड़ नाम की कोई चीज कहीं ना हो। तो घर पर रहिए, खुद को बचाइए और दुनिया अपने आप बच जाएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करना ना भूलें।